नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। बहुत लोगों का पूछना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे ज़रूरी बात तो है कि 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए आपकी, मतलब 18 रनिंग नहीं, 18 साल एक दिन के भी अगर आप हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप? RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में या DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे sarthi.com है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये मस्ट है, आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है। और इस आधार कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पता कहीं का भी हो, एड्रेस आधार कार्ड में, मान लीजिए आप बेंगलोर के निवासी हैं आधार कार्ड पर लिखा हुआ है और आप शेड्यूल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ, कहीं से के भी की भी हो आपकी नागरिकता, भारत देश के आप नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड कहीं का भी हो और कहीं से भी आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास एक एज को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कशीट या तो पैन कार्ड वो लगेगा और आपकी फ़ोटो लगेगी। तो इसके लिए तो आप प्रारंभिक जो होता है आपका जो लर्नर लाइसेंस है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके एक महीने बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड पूरा लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब ये जो प्रक्रिया है लर्नर लाइसेंस बनने के 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको वैलिड लाइसेंस के लिए रीअप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा दस्तावेज नहीं लगते आपके। सबसे पहली बात है आधार कार्ड, दूसरा आपका जो आपकी एज डिफाइन कर सके उसके लिए आपका या तो मार्कशीट 10वीं की, हाँ अपने MP में जैसे 10वीं की लगती है 10वीं की, और अदर स्टेट में भी हैं तो जहाँ जिस मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो लगेगा। और तीसरी चीज़ क्या है, फ़ोटो लगेगी आपकी, बस इतना ही करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, लोग भूलते हैं ना कि सर 17 साल के पूरे हो गए अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बात सही है ना, 18 साल से कंप्लीटेड, 18 कंप्लीटेड होना चाहिए, 18 प्लस पे। ओके जय हिंद मेरे साथियों, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।